हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और आज की मेरी वीडियो जो है वो है रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी कि मैम वो केसेस और लिस्ट ऑफ आइटम्स बताइए जिनके लिए ईवे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये है वीडियो आपके लिए जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो कौन से केसेज हैं या कौन सी ऐसी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिन पर ईवे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, वेदर उनकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा भी क्यों ना हो जाए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक कर लें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर। सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो चलिए मूव करते हैं अपने केसेस एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स पर जिनके लिए नहीं लगेगा आपको ईवे बिल। तो ये है हमारा वो नोटिफिकेशन जिसमें मेंशन किए गए हैं कुछ केसेस और वो अनेक्सर जिसमें दी हुई है लिस्ट ऑफ आइटम्स जिन पे नहीं लगेगा ईवे बिल। सबसे पहला केस मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप गुड्स को नॉन मोटराइज व्हीकल में भेज रहे हैं, मतलब कि ऐसे किसी व्हीकल में भेज रहे हैं जिसमें मोटर नहीं है, तो ईवे बिल नहीं चाहिए। दूसरा हमारा केस है कि अगर आप गुड्स को मूव कर रहे हैं 10 किलोमीटर के अंदर तो भी ईवे बिल नहीं चाहिए। पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जो 10 किलोमीटर की लिमिट एग्जाम्प्ट की गई है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए है और किसी पर्सन के लिए नहीं है। तीसरा है वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय द कस्टम, तो भी आपको ईवे बिल नहीं चाहिए। हमारा केस है सेक्शन 138 का रूल 14 के अंदर जो अनेक्सर दिया गया है उसमें जो भी आइटम्स हैं वो सभी ईवे बिल के प्रव्यू से बाहर रखी गई हैं, उनके मूवमेंट पर आपको ईवे बिल नहीं बनाना है। ये अनेक्सर आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर लूँ तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कुछ मोटा मोटा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे लाइव एसेस, लाइव स्वाइन, लाइव शीप, जो लाइव मीट, लाइव एनिमल्स हैं, मीट हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट किया गया है इसे, पिग फैट, लाइव फिश इन फ्रेश फिश, फ्रेश और चिल्ड, तरह के आइटम्स जो लाइव टाइप से होगी, मीट की केस में हो गई, फिश हो गई, मिल्क से रिलेटेड आइटम्स, फ्रेश मिल्क, पॉस्चराइज मिल्क, सेपरेटेड मिल्क, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, छेना और पनीर, बर्ड्स एग्स, नेचुरल हनी, पर नेचुरल हनी के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है अदर देन पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, तो उससे पहले अगर है तो ही नेचुरल हनी पर ईवे बिल नहीं लगेगा। ह्यूमन हेयर अनवर्क्ड, ऑल द गुड्स दैट इज बॉन्स एंड हॉर्न कॉर्ड्स अनवर्क्ड डिफेक्टेड, देन ऑल गुड्स हूफ मील, फ्रोजन सेमन, लाइव ट्री एंड अदर प्लांट्स, बल्ब्स, रूट्स एंड द लाइक, कट फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल फॉलेज, पोटैटो फ्रेश और चिल्ड, टोमेटो फ्रेश और चिल्ड, ऑनियन, शैलेट्स, गार्लिक, तो बहुत सारी सब्जियां जो हमारी हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स को इसके प्रव्यू से बाहर रखा गया, कैबेज, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल, फ्रेश और चिल्ड, ड्राइड वेजिटेबल्स, ड्राइड वेजिटेबल, शेल्ड, मोनिक एरोवेट, कोकोनट फ्रेश और ड्राइड, ब्राज़ील नट्स, बनानास, तो ये बहुत सारी हमारी जो खाने पीने की आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, इन सबको ईवे बिल के प्रव्यू से बाहर रखा गया है। आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। पेल ऑफ सर्किट, फ्रूट ऑफ मेलन्स, ऑल गुड्स ऑफ सीडी क्वालिटी, कॉफ़ी बीन्स नॉट रोस्टेड, अनप्रोसेस्ड ग्रीन लीव्स ऑफ टी, सीड्स ऑफ ए नाइस बेडियन फैनल, फ्रेश जिंजर, फ्रेश टर्मरिक, वीट, बार्ले, ओट्स, मेजे, राइस, ग्रेन, शुगर, ब्लैक वीट, तो मतलब जो फ्लावर, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स हैं उन सभी के लिए ईवे बिल के लिए एक्सेम्प्टेड किया गया है। फ्लोर ऑफ पोटैटोज, ऑल गुड्स ऑफ सील क्वालिटी, ऑल गुड्स ऑफ सीड क्वालिटी, सोयाबीन्स, ग्राउंड नट्स, लिनिस, देन सनफ्लावर सीड्स, अदर ऑयल सीड्स, फ्रूट एंड स्पोर्स, हॉपकॉर्न्स, प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लैक एंड शेल्स, बिटल लीव्स, पापड़, ब्रेड, वाटर बैटरी, वाटर, नॉन एल्कोहलिक टॉडी, टेंडर कोकोनट वाटर, सॉल्ट, ह्यूमन ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑल गुड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, काजल, म्यूनिसिपल वेस्ट,
waste, plastic bangles, firewood, wood, charcoal, judicial, non-judicial stamp papers, postal items like envelope, postcard, rupee note when sold to Reserve Bank of India, check loose or in book form, printed books, newspaper, journal and periodicals, whether or not illustrated, to unhe bahar rakha gaya, children's picture, drawing or coloring books, maps and hydraulic or similar chart of all kinds, silkworm laying, cocoon, raw silk, silk waste, wool, fine and coarse animal hair, waste of wool, Gandhi topi, khadi yarn, jute fibers, coconut, Indian natural flag, human hair, earthen pot, glass bangles, agriculture implements, amber charkha, handloom, spacecraft, then part of goods of heading 8801, hearing aids, indigenous handmade musical instrument, slate, pencil and chalk, slates, passenger baggage, puja samagri, jo bhi puja ki samagri hai sabhi ko, liquefied petroleum gas for supply to household and not domestic exempted category customer, kerosene oil, postal baggage, natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones, jewelry, goldsmiths and silversmiths, currency, used personal and household effects, coral, unworked and worked coral. तो ये थी 154 आइटम्स की पूरी लिस्ट. मैं ये आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग देख सकें कि आपके आप जो भी आइटम सप्लाई करते हैं वो इसके प्रव्यू में आती हैं या नहीं. तो ये थी पूरी लिस्ट 154 आइटम्स की. इनको पूरा केयरफुली रीड करना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगी. मुझे कमेंट कर दें या अपनी ईमेल आईडी दे दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन. को लगता है कि किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उनके साथ शेयर कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.